हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हिस्ट्री रहा है इसके पास्ट में, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इवोल्यूशन होते चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे स्टेप टू स्टेप डेवलप हुआ, आज के वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हम लोग एक एज गैप को देखते हैं, एक टाइम गैप को देखते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्ट्री में वो टाइम गैप का एक अपना पार्टिकुलर नाम होता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर्स के जेनरेशन को पढ़ा होगा, कंप्यूटर के जेनरेशन के अलग अलग टाइम पीरियड थे, और उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड को फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया, किसी दूसरे पार्टिकुलर टाइम पीरियड को सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ठीक ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्ट्री को भी हम लोग स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से टाइम पीरियड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना डेवलप हुआ और उस टाइम पीरियड को मीन्स क्या कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैचुरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में हम देखेंगे 1943 टू 1952 के पीरियड को मैचुरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस टाइम पीरियड में मैच्योर हो रहा था, मैचुरेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखो ईयर बाय ईयर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कौन से ईयर में क्या हुआ। सारे डेटा को आपको याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को आपको याद रखना है। सबसे पहले 1943 में वैरन मैकुलॉ एंड वॉल्टर पीट्स 1943 में प्रपोज्ड किया एक मॉडल जिसे कहा गया आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। डेट मॉडल इज नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरॉन। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मॉडल कब आया था। इट इज 1943। ओके, देन आफ्टर 1949 में क्या हुआ, तो 1949 में डोनाल्ड हेफ्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्शन स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट किया, समझाया, ठीक है, कि न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होता है और उनका स्ट्रेंथ कैसा होता है। उस रूल को अभी जो है हेबियन लर्निंग के नाम से हम लोग जानते हैं, डेट इज नोन एज हेबियन लर्निंग। देन आफ्टर 1950 का टाइम आता है, 1950 का टाइम आता है, और एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, और इसमें उन्होंने एक टेस्ट को प्रपोज्ड किया था, एक टेस्ट को मेंशन किया था। ठीक है, ये टेस्ट करता क्या था, तो ये टेस्ट मशीन का एबिलिटी और ह्यूमन के इंटेलिजेंस में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या खूबियां हैं, उस चीज को टेस्ट करता था, मेजर करता था। ठीक है, मतलब मशीन का एबिलिटी ह्यूमन के इंटेलिजेंस के कितना गुना है, कितना उससे बेहतर है या कितना उससे कम बेहतर है, इस चीज को टेस्ट करने में सक्षम था ये मशीन। ठीक है, और इसको हम लोग कहते थे ट्यूरिंग टेस्ट, इस टेस्ट का नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। ओके, तो ये जो पीरियड है मैच्यूरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इतना डेवलपमेंट हुआ हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्थ का टाइम पीरियड। तो 1952 से 1956 के टाइम पीरियड को हम कहते हैं बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले 1955 में क्या होता है, दो साइंटिस्ट थे एलन नेवल और एच ए साइमन, इन्होंने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को क्रिएट किया और उसका नाम रखा गया लॉजिक थियोरिस्ट। ओके, वो प्रोग्राम का नाम था लॉजिक थियोरिस्ट। फिर वो जो प्रोग्राम बनाया गया था इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा,
उस प्रोग्राम के हेल्प से 52 मैथमेटिकल थ्योरम में से 38 मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूफ किया गया। वो प्रोग्राम अकेले 52 मैथमेटिकल थ्योरम में से 38 मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूफ कर दिया। ओके, फिर 1956 की बारी आती है। उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है ये सबसे पहले एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया, एडॉप्ट किया गया। फॉर दिस टाइम एआई क्वाइंड एज अ एकेडमिक फील्ड, और उस समय तक 1956 तक एकेडमिक फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटर कर गया था, मतलब इसको स्टडी के पर्पज से, रिसर्च के पर्पज से स्कूल कॉलेजेज में ला दिया गया था, मतलब उसको कोई भी स्टडी कर सकता था, कोई भी उस पर रिसर्च कर सकता था। दिस टाइम वॉज 1956। अब देखो उसी टाइम के अराउंड 1956 के ही अराउंड हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेज के का डेवलपमेंट हो रहा था। फोर्ट्रान, लिस्प, कोबोल जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो रहे थे और उसके हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अच्छे तरह से डेवलप होने लगा, मैच्योर होने लगा। तो अब नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है द गोल्डन ईयर्स, 1956 to 1974, 1956 से 1974 के टाइम पीरियड को गोल्डन ईयर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। 1966 में जो रिसर्चर थे, जो कंप्यूटर्स पे रिसर्च कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कुछ एल्गोरिदम्स को डेवलप करना शुरू कर दिया जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम था। ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जोसेफ वाइजेनबॉम, इन्होंने एक चैट बॉक्स सबसे पहले क्रिएट किया 1966 में, और उस चैट बॉक्स का नाम डाला गया इलीजा। डेट चैटबॉक्स इज नोन एज, चैटबॉट इज नोन एज इलीजा। ओके, फिर 1972 का टाइम आता है, उस समय सबसे पहला फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया जापान में, और उसका नाम रखा गया वाबॉट वन। ओके, डेट इज वाबॉट वन। ठीक है, तो ये गोल्डन ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। उसके बाद हम लोग और नेक्स्ट टाइम पीरियड को देखते हैं, उसमें आता है फर्स्ट एआई विंटर, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंटर आता है 1974 से 1980 का टाइम पीरियड, जब इन्वेस्टर कोई नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करने का, फंड देने के लिए पैसा नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करने के लिए, कोई गवर्नमेंट फंड नहीं दे रहा था, कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री फंड नहीं दे रहा था, तो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च का इंटरेस्ट कम हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ जो है ये रुक गया। ठीक है, एआई विंटर रिफर्स टू द टाइम पीरियड वेयर कंप्यूटर साइंटिस्ट डील इट विद अ सेवरल शॉर्टेज ऑफ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एआई व्हाट रिसर्चेज। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग का कमी हो गया, शॉर्टेज हो गया, और साइंटिस्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भी रिसर्च चल रहा था उसको उन्हें रोकना पड़ा या कम कर देना पड़ा। ठीक है, तो एआई विंटर का मतलब यही होता है। एआई विंटर के दौरान इंटरेस्ट ऑफ पब्लिसिटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज डिक्रीज, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्चर का इंटरेस्ट था वो डिक्रीज हो गया क्योंकि फंड ही नहीं था रिसर्च करने के लिए। हमने आपको शुरू में बताया था डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वहां आपने देखा था कि बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ही कॉस्टली होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है ये, और इसके लिए फंड चाहिए, कोई गवर्नमेंट फंड दे दे सर, या फिर कोई कंपनी दे दे, कोई बड़ी इंडस्ट्री दे दे। और एआई विंटर सीजन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विंटर सीजन में कोई भी फंड देने के लिए रेडी नहीं था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड जो कि अ बूम ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम, 1980 से लेकर के 1987 के टाइम पीरियड को बूम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना गया है। और 1980 में क्या होता है, तो जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विंटर ड्यूरेशन समाप्त होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी क्षमता के साथ कम बैक करता है और एक एक्सपर्ट सिस्टम नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लॉन्च होता है। और ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है, ये प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को रखता था, जैसे कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखते हैं, वैसे ही इस एक्सपर्ट सिस्टम में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था। ये रिसर्चर का इंटरेस्ट और ज़्यादा
बढ़ा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करने के लिए। अब देखो 1980 में फिर क्या होता है, पहला फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हो तब, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स को हमने देखा हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड हम देखते हैं जो कि है सेकेंड एआई विंटर। तो एआई विंटर आ गया, फिर से फंड की कमी हो गई, फिर से कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? 1987 से। तो दोनों एआई विंटर आपको याद करके रखना है, ठीक है। दो एआई विंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्ट्री में आपको याद रखना है, पहला और दूसरा। तो दूसरे एआई विंटर में भी क्या होगा सर? कोई फंड देने वाला नहीं होगा। इन्वेस्टर गवर्नमेंट स्टॉप देयर फंडिंग फॉर एआई रिसर्च एज ड्यू टू हाई कॉस्ट बट नॉट इफिशियंट रिजल्ट। बहुत ज्यादा फंड तो लगता था लेकिन उस तरह से फंड के अकॉर्डिंग इफिशियंट रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता था, इसलिए फंडिंग उन्होंने रोक दिया। द एक्सपर्ट सिस्टम सच एज एक्सकॉन वॉज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जो एक्सपर्ट सिस्टम था जिसका नाम एक्सकॉन था, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव था और इस प्रकार फंडिंग को रोक दिया गया। और ये टाइम पीरियड 87 टू 93 तक का था, इसको ध्यान में रखना है। फिर से नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट, मतलब इंटेलिजेंट एजेंट का इमर्जेंस हुआ। ये आपका टॉपिक भी है सिलेबस में, ये भी है आपको इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये भी पढ़ना है। तो इंटेलिजेंट एजेंट का इमर्जेंस हुआ और ये टाइम पीरियड 1993 to 2011, मतलब 2011 तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं इमर्जेंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। 97 में क्या होता है सर? तो 97 में IBM डीप ब्लू बीट्स वर्ल्ड चेस चैंपियन एंड बिकम द फर्स्ट कंप्यूटर टू बीट अ वर्ल्ड चेस चैंपियन। जो IBM है, IBM का डीप ब्लू एक सॉफ्टवेयर था, एक AI बेस्ड मशीन था जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन को खेला और जीत गया, वो चैंपियनशिप ले करके चला गया। अब बताओ ह्यूमंस जो चेस खेलते हैं, ह्यूमंस के साथ मशीन चेस खेल रहा है और ह्यूमंस हार जाता है, मशीन जीत जाता है, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर से इमरजेंस हो जाता है, जैसे ये न्यूज आता है कि IBM का एक पोर्ट है, एक AI बेस्ड मशीन है जो कि इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीत जाता है, तो यहाँ से फिर से इमर्जेंस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर 2002 में क्या होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे घरों में, हमारे होम्स में इंटर कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ रोम्बा। रोम्बा क्या है? एक वैक्यूम क्लीनर का नाम है। ये वैक्यूम क्लीनर AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को रखता था, AI बेस्ड मशीन था, इसका नाम रोम्बा था और ये हमारे घरों में वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग के लिए यूज किया जाने लगा, ठीक। फिर 2006 में क्या होता है सर? 2006 में AI कम इन द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड में आने लगा। टिल द ईयर 2006 कंपनी लाइक फेसबुक ट्विटर नेटफ्लिक्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमर्जेंस को देख पाते हैं, इवोल्यूशन को देख पाते हैं, या आप इसको अपने टर्म में जो भी कहो। अब देखो यहाँ पर हिस्ट्री के साथ ही साथ इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ों का इमर्जेंस हुआ, जैसे कि बिग डेटा का हुआ, डीप लर्निंग का इमर्जेंस हुआ, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का इमर्जेंस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख सकते हो। बाय द वे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे कि अलग अलग टाइम में क्या क्या हुआ, ये पॉइंट्स हमने लिखा है आपके लिए, आप इसको रीड कर सकते हो, ओके। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हम आपको समझाएं और आपको समझ में आए, आप इसको खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इन सारे पॉइंट्स को आप देख लोगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इसको ले सकते हो, ओके। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद करते हैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में हमें अपना रिव्यू दे सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।